साइबर के पायलट्स फुर्तीले नेट्स से घबराने लगे थे और उनके साथ भिड़ना नहीं चाहते थे। नेट्स के टॉप कवर देने की वजह से दुश्मनों की फौज पर ग्राउंड अटैक्स बहुत कामयाब और घातक होने लगे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि भारतीय वायुसेना का एक कैनबरा जहाज अक्सर अकेला दिन दहाड़े बहुत नीची उड़ान में पाकिस्तान के अंदर दूर तक जाकर उनके महत्वपूर्ण फौजी गतिविधियों और ठिकानों की फोटो रेकी करके लाता था। ये खतरनाक काम एक साहसी और कुशल पायलट स्क्वाड्रन लीडर जीएम नाथ कई सालों से कर रहे थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नाथ को ऐसी ही जोखिम भरी फोटो रेकी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 5 सितंबर के रोज उन्हें इचोकिल कैनाल की फोटो रेकी के लिए भेजा गया, जो कि पाकिस्तान ने लाहौर सेक्टर के बॉर्डर के साथ साथ बनाई थी ताकि जंग के दौरान इसे पानी से फ्लट कर दिया जाए और भारतीय फौज तथा आर्मर उसे पार न कर सके। स्क्वाड्रन लीडर नाथ ने यह काम बड़ी सावधानी और होशियारी से पूरा किया।